हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आज हम लोग 13 अगस्त 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू के नाम का टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लेना इस पर्टिकुलर लेक्चर और सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल लेने के लिए। इसके अलावा आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और मेरे कंप्यूटर वीडियो कोर्स को आप रजिस्टर कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिलहाल के लिए 15 अगस्त तक का उस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। ये बैच दिल्ली पुलिस, एचएसएससी, सीईटी और सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूबल सा बैच रहने वाला है। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे थे। तो इस सवाल का सही जो आंसर है वो अकबर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। वो अकबर के समय दिल्ली में बसे थे और दिल्ली में उनकी कब्र पर मस्जिद भी बनाई गई है। तो निजामुद्दीन औलिया, इस नाम से आपने एक रेलवे स्टेशन भी सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन। इसके अलावा आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला पंजाबी धाम हरियाणा के किस जिले में बनने वाला है। तो विश्व का पहला पंजाबी धाम हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सर, ये पंजाबी धाम है, इसका कोई दिवस वगैरह? हाँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को। इसको बोलेंगे एक्चुअली विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बोलेंगे, जो कि 14 अगस्त यानी कि कल ही के दिन नई अनाज मंडी थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि हरियाणा के ही मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। बेसिकली इस पंजाबी धाम में भारत और पाकिस्तान के बंटवारा जो है ना, उसके दृश्य को दिखाया जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जमीन पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन का जो टाइम था, तकरीबन 10 लाख लोगों की शहादत की याद में जो स्मारक है ना, वो स्थल भी यहाँ पे ही बनाया जाएगा। तो यही है वो आपका पंजाबी धाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा थानेसर में। ये थानेसर वही है जो राजा हर्ष की राजधानी है और इस थानेसर से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है अमीनपुर। अमीन का गांव का नाम बदल के अभिमन्युपुर कर दिया है, क्योंकि महाभारत के 13वें दिन चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु की जो है ना वो मृत्यु हुई थी, तो इसी करके इसका नाम भी बदला गया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में धर्मनगरी कहलाता ही है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक बात याद की होगी, मुझसे ही पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण का एक विराट स्वरूप की मूर्ति है, उसका उद्घाटन किया गया था, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र का गीता जयंती उत्सव वैसे ही विश्व भर में प्रसिद्ध रहता है और ये 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में चला था, ये पिछले साल 2021 में, और उसको अवार्ड भी मिला था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया था, इतना लंबा आयोजन चला जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, तो करके देश में उसको अवार्ड भी मिला था। हालांकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय धरती कनाडा के ऊपर ये सितंबर महीने में सेलिब्रेट किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कुरुक्षेत्र में तो खैर होगा ही होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मतलब यूं कहिएगा विदेशों में भी मनाने की परंपरा है इस वाले दिवस को। तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र में KDB भी है यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड भी है। अगला सवाल है कि हरियाणा में वर्तमान लिंगानुपात कितना है। तो हरियाणा का प्रेजेंट सेक्स रेशियो जो है ना वो 920 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। यूं कहिएगा पहले से तो काफ़ी बढ़ा ही है, साल 2014 में अगर देखने की कोशिश करें तो ये 876 के आसपास था। अप एंड डाउन तो खैर होता ही रहता है, हर महीने ही चेंज हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए माई गवर्नमेंट मेरी सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर अपडेट हुआ है। और ये जो बेनिफिट बेसिकली हो रहा है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो अभियान है इसी के तहत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की 2 बहनें हैं, एक तनिष्का और एक रिदिका कोटिया, दोनों ही चेस प्लेयर हैं, इन दोनों को गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूरे हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली है। रिसेंटली उन्होंने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है रेसलिंग के अंदर, वैसे भी आपको याद ही है ये तो। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसकी मंत्री का नाम जो है कमलेश ढांडा है, जो कलायत से जीती हुई है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने इसे स्टार्ट किया था, स्टेज शेयर किया था माधुरी दीक्षित ने, के साथ में जो है ना परिणीति चोपड़ा भी थी जो स्टार्टिंग में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा है, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है गोल्ड मेडलिस्ट है पैरा ओलंपिक में, ठीक है।
इसके अलावा अगला सवाल है हमारा कि बायोगैस प्लांट स्कीम के तहत अन्नदाताओं को हरियाणा में कितना अनुदान दिया जा रहा है। तो बायोगैस प्लांट स्कीम के तहत अन्नदाताओं को हरियाणा में जो है वो टोटल 7,500 रुपये का जो है ना वो अनुदान दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक है। एक्चुअली देखिएगा, अगर कोई एक क्यूबिक प्लांट लगाता है तो जनरल कैटेगरी को 7,500 और अगर अनुसूचित जाति की बात करते हैं उनको 10,000। कोई 2 से 6 क्यूबिक का प्लांट लगाता है उसको 12,000 जनरल कैटेगरी को और अनुसूचित जाति को 13,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आपको मैं बताता हूँ, हरियाणा का सबसे पहला बायोगैस प्लांट जो है ना वो लगा था हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के उकलाना क्षेत्र में नया गांव में, और दूसरा ये लगा था अंबाला के सुल्लर गांव में, शायद आप लोगों को याद होगा अंबाला कैंट में। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के कितने गांव माहरा गांव जगमग गांव योजना में शामिल हुए हैं रिसेंटली। तो रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया तो था लेकिन फिर से अब कुछ अपडेट आया है, 49 गांव को ऐड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो इस सवाल का ठीक है, और अब इनकी संख्या जो है ना 5628 से बढ़ के 5677 हो जाएगी। रणजीत सिंह हरियाणा में बिजली मंत्री है, याद रखिएगा। ये योजना 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुरा गाँव से स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब इतना ही है कि गाँव को 24 घंटे बिजली देना। वर्तमान में हरियाणा के लगभग 10 जिले हैं जिनमें 24 घंटे बिजली जो है ना वो दी जा रही है, और 15 अगस्त के अवसर पर बिजली वितरण निगम की तरफ से ये तोहफा दिया गया है 49 गांवों को। हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री पदक से अलंकृत किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला ये सवाल है कि गृह मंत्री पदक से अलंकृत किया गया है टोटल 4 पुलिस अधिकारियों को। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का ठीक रहेगा। सर ये पुलिस 4 अधिकारी हैं, इनको सम्मानित तो किया गया है, अलंकृत किया गया है तो बात ठीक है हमारी, लेकिन इनमें से ये है कौन? देखिएगा, हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी, इनको साल 2022 के अंदर अपराध से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए और उनको ठीक ढंग से जो है ना जांच में यूं कहिएगा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए गृह मंत्री पदक से अलंकृत करने के लिए इनको सिलेक्ट किया गया। 15 अगस्त को इनको खैर सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इनमें जो है ना वो 151 पुलिस कर्मियों में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर है, एक तो जिनका नाम है बसंत कुमार, एक है सब इंस्पेक्टर सुमन देवी, एक है सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार और एक है हेड कांस्टेबल गोपाल चंद, इनको शामिल किया गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ये ऐसा अवार्ड देने की शुरुआत साल 2018 में, मतलब इस पदक की स्थापना की गई थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको याद रखनी है। और पुलिस के DGP का नाम प्रशांत कुमार अग्रवाल है। हरियाणा में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए इनामी राशि दी जाएगी। तो हरियाणा में आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है, उसी तर्ज पे हरियाणा में कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड सिल्वर और ब्रांज पे कुछ पैसा दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो हरियाणा में 1.5 करोड़ रुपये मिलते हैं, और इसके अलावा कोई सिल्वर मेडल लेके आया उसको 75 लाख, और अगर कोई ब्रांज मेडल लेके आता है उसको 50 लाख। तो मैंने तीनों ही ऑप्शन में रख दिए। बहरहाल इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो 1.5 करोड़ रुपए रहेगा। आने वाले 16 तारीख को गुरुग्राम में इनको सम्मानित किया जाएगा। लगभग 25 करोड़ रुपए जो है ना ये बांटे जाएंगे। सरकारी नौकरी का लेटर तो खैर इन सबको दिया जाएगा ही जाएगा, और जो चौथे स्थान पे रहे हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है उनको भी 7.5 लाख रुपए जो है ना वो तकरीबन दिए जाएंगे। इनको 2.5 लाख रुपए तो हालांकि इनको पहले ही दे दिए गए थे। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त, और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि निम्नलिखित में से क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लक्षण नहीं है। ये RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में होने चाहिए। इनकी निजी भुगतान 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। इसे CRR के अनुसार RBI के साथ जमा करना होगा। इसमें एक क्लियरिंग हाउस की सुविधा होनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये। अच्छे से ठीक ढंग से जवाब देना, इसका डिटेल भी लिखना, और कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, StarIQ चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। साइनिंग ऑफ, दिस इज सुनील बिश्नोई। धन्यवाद।